हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी कि क्या फैलोपियन ट्यूब्स के बंद होने से हमल हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी फीमेल एनाटॉमी के बारे में बताऊँगी कि जो फीमेल एनाटॉमी के हिसाब से एक औरत में एक बच्चेदानी मौजूद होती है, दो अंडेदानियाँ होती हैं और इसी तरह दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यानी कि जो ट्यूबें हैं वो दो बनाई गई हैं। अब अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह से हुआ कि उसकी एक ट्यूब बंद हो गई, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी थी कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, यानी कि हमल जो है वो बच्चेदानी से बाहर बना, कहीं ट्यूबों में बना, और फिर उस ट्यूब वो ब्लॉक हो गई, यानी कि उसको या तो वाया सर्जरी निकाल दिया गया, या अगर वो ट्यूबल एबॉर्शन भी हुआ तो वो इस तरह से हुआ कि वो ट्यूब बंद हो गई। सेकेंड, ये वजह हो सकती है कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से ये ट्यूब बंद हो जाए, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस या कोई भी इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन हैं फॉर एग्जांपल, तो उनमें भी ये जो बाज़ औक़ात इन्फेक्शन से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो अगर ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएं, एक ट्यूब ब्लॉक हो जाए, तो फिर इसका पता हमें अल्ट्रासाउंड पर नहीं पता लगता, बल्कि इसके लिए हमें हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी करानी पड़ती है। HSG का टेस्ट है जिससे बहुत वाजे पता चल जाता है कि ये ट्यूब ओपन है या बंद है। लेप्रोस्कोपी के ज़रिए भी इस ट्यूबों का बआसानी पता चलाया जा सकता है। अब अगर एक पेशेंट की एक ट्यूब ब्लॉक है, यानी कि मौजूद नहीं है, और दूसरी ट्यूब खुली हुई है, तो ऐसी पेशेंट को जो है बहुत आसानी से हमल हो सकता है। लेकिन इसके लिए यही शर्त है कि जो सेकेंड ट्यूब है वो भी नॉर्मल हो, प्रॉपर खुली हुई हो, और उसमें से जो है फ्लूइड जो है और एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपर पास हो सके। अगर एक मरीज़ा की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी वजह की से जो है अगर दोनों फैलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, तो फिर ऐसी औरत को नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इन पेशेंट्स को फिर हम कहते हैं कि आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ज़रिए जाना है, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, IUI है, IVF है, ICSI है, यानी कि फिर आपने दूसरे मेथड्स को ट्राई करना है ताकि आप उसको बेबी को कंसीव कर सकें। सो डियर लेडीज, जब भी आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हों, आपने एक मुस्तनद डॉक्टर से ओपिनियन ज़रूर लेनी है ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि आया आपकी एक ट्यूब बंद है या दोनों बंद हैं। थैंक यू वेरी मच।